फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस को। मियोसिस जो है ये माइटोसिस की तरह एक सेल डिवीजन है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये भी सेल डिवीजन होगी, ठीक है। लेकिन ये सेल डिवीजन जो है ये हमारे पास डिफरेंट है थोड़ी सी, ठीक है। एक तो ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो है इसका मतलब जो है मियोसिस का जो वर्ड है इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब होता है टू मेक स्मॉलर, ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू मेक स्मॉलर। तो ये जो है ये क्रोमोसोम की तादाद जो है कम कर देता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से कम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब मियोसिस का टू मेक स्मॉलर है, ये सेल डिवीजन है और ये होती जो है हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। इस वजह से हम इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन स्मॉलर की वजह से हम इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, ठीक हो गया। और ये होती है सेक्स ऑर्गन्स में, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन भी इसका नाम है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टडी किया था हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ऑस्कर हैटिक है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं ऑस्कर, ये हमारे पास ऑस्कर आ गए, ठीक है। ऑस्कर हैटिक, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जी हमारे पास जो है ये डिवीजन एक और है जो कि होती है सेक्स ऑर्गन्स में, उसका मतलब क्या है कि रिडक्शन डिवीजन, ठीक हो गया। अब हम पहले इसको स्टडी करने से पहले एक टर्म जो है जो हम मोस्टली यूज करते हैं क्रोमोसोम देख के स्टडी कर लेते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और उसमें हमारे पास वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। उसमें हमारे पास डीएनए होता है प्लस प्रोटीन होती है, ठीक है। लेकिन जब वो ये हमारे पास डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है, मियोसिस हो या माइटोसिस हो, तो वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंस होके वो क्रोमोसोम बनाता है। तो हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। ये हमारे पास जो डायग्राम आ गई है ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम है, ठीक है। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसको हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जो एक इसका स्ट्रैंड है ना, ये वाला पूरा जो स्ट्रैंड है, ये हम अगर इसको यूं कर लें, थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। एक जो स्ट्रैंड है ये वाला पूरा, ये हम इसको भी क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और ये भी इसका दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। डुप्लीकेटेड है इसलिए हम इसको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास तब शो होते हैं जब डिवीजन हो रही होती है। यहाँ पर सेंटर में इसके पास हमारे पास होती है प्रोटीन जिसके थ्रू ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर कनेटोकोर होती है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है? इसमें हमारे पास डीएनए मौजूद है और प्लस क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। और इसको हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। जनरल क्रोमोसोम भी टर्म दिया जाता है इसलिए क्योंकि ये जो इसका एक स्ट्रैंड होता है जब ये डुप्लीकेट होकर अपने जैसे ही कॉपी बना लेता है तो इसको हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और जिसका एक स्ट्रैंड है ये पूरे का पूरा ये वाला, इसको हम क्रोमेटिड भी कहते हैं, ठीक है। जब अभी ये एक एक क्रोमोसोम होता है, ये सीधा स्ट्रैंड होता है यहाँ तक, ठीक है। इसको हम एरो लगा लेते हैं यूं करके, तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। यहाँ हम लिख भी लेते हैं क्रोमेटिड, ठीक हो गया। तो ये जब हमारे पास क्रोमोसोम है, ये हमारे पास जो होते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म में डिप्लाइड फॉर्म में होते हैं, जब ये आधे रह जाते हैं डिवाइड करके, तो हम फिर इसको कहते हैं कि रिडक्शन डिवीजन हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि डिप्लाइड क्या टर्म है, ठीक है। डिप्लाइड का मतलब है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2n की फॉर्म में होते हैं, इसको हम लिखते हैं 2n, ठीक है। मीन कि अगर हमारे पास ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46। तो ये एक इवन नंबर है और ये 2n की फॉर्म में है और इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक हैप्लॉइड टर्म, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब होता है आधा हो जाना, ठीक है। एन उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है। सॉरी, एन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है हैप्लॉयड, ठीक है। इसमें अब हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करें, आधे करें, रिड्यूस करें, तो ये हमारे पास आधे हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम, ठीक हो गया। 23 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। और हमने ये भी कहा कि ये हमारे पास कहाँ हो, ये डिवीजन हमारे पास कहाँ हो रही है? ये डिवीजन हमारे पास हो रही है सेक्स ऑर्गन्स में, ठीक है। यहाँ वो भी मेंशन कर लेते हैं, हमारे पास जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं गोनेट्स, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गोनेट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं गोनेट्स कहते हैं, ठीक है। अब गोनेट्स जो सेल प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं गेमिट्स, ठीक है। जो ये सेल प्रोड्यूस करेगा ना उसको हम क्या कहते हैं? गेमिट्स कहते हैं। और ये जो गेमिट्स होते हैं, गेमिट्स फॉर्मेशन जो होती है वो मियोसिस के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? जो प्रोसेस है वो कौन सा है? मियोसिस का, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक हो गया। मियोसिस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो मेल में हमारे पास जो गोनेट्स होते हैं उसको हम टेस्टिस कहते हैं, ठीक है, टेस्टिस कहते हैं।
और जो हमारे पास फीमेल होती हैं उसमें जो हमारे पास गोनेड्स होते हैं, मीन के जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं ओवरी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओवरी आ गया, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास टेस्टिस में जो हमारे पास सेल प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्म्स, ठीक है। ये हमारे पास स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो ओवरी में होती हैं प्रोड्यूस सेल तो उसको हम ओवा और एग कहते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं ओवा कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो फॉर्मेशन होगी किस प्रोसेस से होगी, ये हमारे पास मियोसिस के प्रोसेस से होगी, गेमिट्स फॉर्मेशन है, स्पर्म्स और ओवा का बनना, ठीक है। अब हम एक और डायग्राम देख लेते हैं, ये जिसमें हमारे पास जो है क्लियरली शो हो रही है मियोसिस, ठीक है। हमारे पास 2n क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास 23 क्रोमोसोम जो हैं डिवाइड होके हो गए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मियोसिस है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है दो डिविजन्स में, एक को हम M1 कहते हैं, मियोसिस वन कहेंगे, ठीक है। ये असल में रिडक्शन डिवीजन होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम आधे हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोसेस होता है वो हमारे पास M2 होती है, जिसे हम मियोसिस टू कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है जस्ट लाइक ये माइटोसिस होती है, अपने ही जैसे एन नंबर कॉफीज, मीन की 23 ही हमारे पास यहाँ भी जो क्रोमोसोम है वो मौजूद होंगे, ठीक है। ये हमारे पास 23 है, ठीक है, ये सारे 23 होंगे जो एन होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं मियोसिस की डिवीजन के बाद, आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 सेल्स होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट डिवीजन के बाद हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है देखा कि हमारे पास मियोसिस में किस तरह गैमेट फॉर्मेशन होती है, और 2n से मीन डिप्लॉइड से, 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड से हमारे पास किस तरह हैप्लॉइड जो है वो सेल बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 23 है, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं हैप्लॉइड कहेंगे, हैप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए, ठीक है। तो अब हम यूं कर लेते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं माइटोसिस को, सॉरी मियोसिस को, जो इसको हमने इसकी दो स्टेप्स में, ठीक है, जिस तरह हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, हमने ये ऑलरेडी इसकी मेंशन की हुई है तमाम जो स्टेप्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास मियोसिस वन है, ये हमारे पास मियोसिस टू है, ठीक है। इसकी पहले दो डिवीजन होंगी मियोसिस की, ठीक है, उसमें जो हमारे पास मियोसिस टू है जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, ठीक है। जो फर्स्ट है वो जो है चेंज है वो रिडक्शन डिवीजन है, यहाँ हम लिख लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जो कि हम इस पूरी प्रोसेस को ही कह रहे हैं, इनके में मियोसिस को ही कह रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो इसमें स्टेप्स होंगे, पहला स्टेप है प्रोफेज वन, फिर हमारे पास मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन, जस्ट लाइक माइटोसिस के ही प्रोसेसेस की तरह हैं। बस वन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसको मियोसिस वन के अंदर स्टडी किया है, इसलिए हम इसको वन नाम दिया है, और मियोसिस टू में हम इसको मियोसिस टू में स्टडी कर रहे हैं इन्हीं स्टेप्स को, तो इसलिए हम इसको प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू कहते हैं, ठीक है। अब प्रोफेज वन जो है फर्स्ट स्टेप होगा मियोसिस वन का, इन सबको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज हमने डिस्कस किया है मियोसिस को, मियोसिस में हमने देखा है कि मियोसिस जो है सेल डिवीजन है, और ये हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स में होती है और गैमेट्स फॉर्मेशन करती है, इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं।